जॉस बटलर के शतक की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को हराकर आईपीएल 2022 के फाइनल में एंट्री कर ली है। राजस्थान ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दूसरे क्वालिफायर में आरसीबी को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ बेंगलुरु का आईपीएल चैंपियन बनने का सपना इस साल भी अधूरा रह गया। बता दें कि आईपीएल सीजन 15 का दूसरा क्वालिफायर राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और बेंगलोर को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रनों का स्कोर बनाया। महत्वपूर्ण मुकाबले में विराट कोहली एक बार फिर नाकाम रहे और महज 7 रन बना कर वापस लौट गए, जबकि कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने 25 और ग्लेन मैक्सवेल ने 24 रनों की पारी खेली। टीम को पिछले मैच के शतकवीर रजत पाटीदार ने एक बार फिर सहारा दिया। उन्होंने 42 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से सर्वाधिक 58 रनों की पारी खेली। राजस्थान की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और ओबेड मकाव ने 3-3 सफलता अर्जित की, जबकि 1-1 विकेट ट्रेंट बोल्ट और आर अश्विन के खाते में आया। अब फाइनल में पहुंचने के लिए राजस्थान के सामने 158 रनों का लक्ष्य था। राजस्थान ने इस लक्ष्य को 18.1 ओवर में महज 3 विकेट खोकर पूरा कर लिया। ओपनिंग बैट्समैन जॉस बटलर ने सीजन का 4th शतक लगाते हुए राजस्थान को फाइनल का टिकट दिला दिया। बटलर 60 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्के की मदद से 106 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उनके अलावा यशस्वी जायसवाल ने 31 और कप्तान संजू सैमसन ने 23 रनों की पारी खेली। आरसीबी के लिए जोश हेजलवुड ने 2 और वानिंदु हसरंगा ने 1 विकेट लिया। 106 रनों का शतक लगाने वाले जॉस बटलर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। अब आईपीएल 2022 का फाइनल गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच 29 मई को इसी मैदान पर खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे की जगह रात 8 बजे से शुरू होगा।